नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम पर साथ दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। हिमाचल की बात में आप लोगों का स्वागत है और हिमाचल की बात में आप लोगों को रोजाना जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश के अहम खबरों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ घटित हुआ है और क्या कुछ अहम रहा, इन खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए अब हिमाचल की बात में आपको पहले हेडलाइंस बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है और आज हम किन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपको जानकारी दे देते हैं पहले कि जिन खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहली जो खबर हमारे पास है वो ये है कि उपचुनावों को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है और पहले दिन कोई भी नामांकन पत्र नहीं भरा गया। इसी के साथ चुनावी रैलियों में रैंडम सैंपलिंग होगी और कोरोना से परिजनों को खोने वाले यानी कि अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की स्कूल में फीस माफ होगी। और अगर अगली खबर की बात करें तो हिमाचल में चढ़ावा जो चढ़ाया जाता है उसका गैर हिंदुओं पर खर्च नहीं किया जाएगा और रोहतांग जाने वालों का अब ऑनलाइन ही परमिट चेक होगा, तो इसलिए जाम की स्थिति भी पैदा नहीं होगी। तो खबरों को शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है पहली खबर जो हमारे पास है उपचुनाव वाली। तो उपचुनाव वाली खबर जो हमारे पास ये है कि सभी को पता है कि नामांकन पत्र के लिए और जो अधिसूचना जो है उपचुनावों को लेकर वो जारी हो चुकी है। 3 विधानसभा क्षेत्रों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं क्योंकि ये सीट सभी खाली हुई थी और इसके अभी हाल ही में अभी 30 तक इसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। वोटिंग होगी 30 को, 2 नवंबर तक इसके परिणाम सामने आएंगे, तो उपचुनाव जो है होने जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इसके लिए बीते दिन अधिसूचना जारी कर दी गई है। 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया जारी रहेगी और 11 तक नाम वापसी या छंटनी की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस तरह की सभी जो अधिसूचना जारी की गई है वो इसमें रहने वाला है। और आपको जानकारी दे दें कि जैसा कि नवरात्र शुरू होने पर ही दोनों पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नाम भी बताएंगी। और अगर बात करें अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो हिमाचलवासी या फिर हिंदू धर्म में कहें तो श्राद्धों में सभी कार्यों को करना इतना उचित नहीं माना जाता है, कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता है। ऐसा लगता है लोगों को कि श्राद्धों में कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए और इसलिए नवरात्रों का वेट जो है अभी किया जा रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं 6 तारीख तक श्राद्ध चलने वाले हैं और 7 तारीख से नवरात्र शुरू होंगे, तो 7 तारीख से ही प्रत्याशियों के नाम भी सुनने को मिलेंगे और नामांकन पत्र भरने वाले लोग भी आगे जाएंगे। इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। और अभी जिस तरह से पार्टियों की तरफ से दोनों पार्टियों की तरफ से जो अहम पार्टियां रहने वाली है कांग्रेस और भाजपा की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको जानकारी दे दें कि उन लोगों ने अभी प्रत्याशियों के नाम भी नहीं बताए हैं। और सभी जानते हैं कि मंडी लोकसभा सीट और फतेहपुर जुब्बल कोटखाई और अर्की में ये 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। और इन उपचुनावों को लेकर अब लोगों में जो है पहलकदमी शुरू हो गई है और काफी यहाँ पर पार्टियों की तरफ से जद्दोजहद शुरू हुई है। और अभी जैसा कि सभी जानते हैं कि इन चारों जगहों पर आचार संहिता भी लागू हुई है, तो अभी कोई इस तरह का मामला सामने नहीं आने वाला है जिस तरह प्रचार का। तो अगली खबर की बात अगर करें तो उपचुनावों में जो रैलियां होने वाली हैं इनमें रैंडम सैंपलिंग होगी, जो भीड़ जुटेगी जितने भी लोग रैलियों में जाएंगे उनके रैंडम सैंपलिंग होगी क्योंकि कोरोना का जो कहर है अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि अक्टूबर माह की बात की गई थी कि अक्टूबर माह तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, अब इस तीसरी लहर के मद्देनजर ही जितनी भी रैलियां होंगी, चुनावी प्रचार होगा और इसको लेकर जितनी रैलियां निकलेंगी उन सभी रैलियों में जितने भी लोग शामिल होंगे उसमें से रैंडम सैंपलिंग हो सकती है। तो आप लोग जितने भी चुनावी रैलियों में जाएंगे अपनी पार्टी का समर्थन करने, तो वहां पर किसी की भी रैंडम सैंपलिंग हो सकती है कोरोना के तहत, क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर की बात की जा रही थी बार बार। और अगर बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो वहां से भी बार बार यही अभी सूचना दी जा रही है कि 3-4 महीने तक अभी और आप लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो काफी खतरनाक भी हो सकती है या फिर कोरोना के मामले फिर से बढ़ सकते हैं। कुछ राज्यों में अगर देखा जाए तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी धीरे धीरे अभी फिलहाल इक्का दुक्का लोग ही कोरोना के पाए जा रहे हैं, कोरोना संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। और अगर बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो सोलन जिला में नर्सिंग कॉलेज की 24 छात्राएं जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी एक साथ, तो वो काफी बड़ा बस था। तो यहां पर आपको जानकारी दे दें कि
जितने भी चुनावी रैलियां होने वाली है उपचुनावों को लेकर, तो वहां पर सभी लोगों की रैंडम सैंपलिंग हो सकती है। इसी के साथ अगली खबर की बात करते हैं, तो कोरोना से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की अब निजी स्कूलों के बच्चों की जो है फीस माफ की जाएगी। और आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, बहुत से बच्चे जो है इस समय कोरोना के कारण जो है अनाथ हुए हैं, जिनके माता पिता दोनों ही कोरोना के कारण खत्म हो गए। और ये काफी ज्यादा दुखद वाली बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है बहुत ही छोटी उम्र में। कोरोना ने बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया है सभी लोगों को, देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बहुत से जगहों पे कोरोना के कारण लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ पर आपको जानकारी दे दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों को लिखित में निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी कि आपको इसमें बताना चाहेंगे कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने ये कोर्ट के माध्यम से निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों को लिखित में आदेश जारी किए गए हैं कि जिन बच्चों के परिजन अभी हाल ही में कोरोना की वजह से खत्म हुए हैं, तो उन बच्चों की फीस जो है माफ की जानी चाहिए। ये काफी अच्छा फैसला है, क्योंकि जिन बच्चों के माता पिता चले गए उनका खर्च करने वाला अब कोई नहीं है। तो इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अगली खबर जो हमारे पास है वो है कि हिमाचल के मंदिरों का चढ़ावा गैर हिंदुओं पर खर्च अब नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि मंदिर में जो सुरक्षा समेत अन्य अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, संबंधित धर्म को मानने वाले होंगे, यानी कि हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे, उन्हीं लोगों पर जो है मंदिर का चढ़ावा है, सोना चांदी या फिर कैश की बात करें तो वो उन्हीं लोगों पर अब खर्च किया जाएगा जो हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पर सभी लोगों को आने की अनुमति होती है, सभी लोग आते हैं मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमारे भारत के काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मंदिर ऐसे हैं जहां पर रोज़ाना करोड़ों के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाया जाता है और वो सभी लोगों पर खर्च किया जाता है, लेकिन कुछ बैंकों में जमा हो जाता है, कुछ सोना चांदी जो है उस पर टैक्स वगैरह लगता है। लेकिन अब यहाँ पर बात की जा रही है कि आपको बता दें कि भाषा कला एवं संस्कृति विभाग ने हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 27 के तहत मंदिर आयुक्तों को आदेश जारी किए हैं कि जितना भी मंदिर का चढ़ावा होगा वो गैर हिंदुओं पर अब खर्च नहीं किया जाएगा। हालांकि जो मंदिर के अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी रखे जाते हैं, उनकी तनख्वाह और जो लोग मंदिर से रिलेटेड हैं या फिर हिंदुओं के लिए ही इस पैसे को अब खर्च किया जाएगा, जो गैर हिंदू हैं उनको, उन पर इस पैसे को खर्च नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर जो हमारे पास है वो ये है कि बैरियर पर अब नहीं लगेंगी कतारें, रोहतांग जाने वाले जितने भी पर्यटक हैं, जितने भी लोग हैं, उनका परमिट जो है ऑनलाइन ही चेक होगा। यानी कि अब जो परमिट चेक करने के लिए पहले बैरियर पर लोगों की वहां पर चेकिंग होती तो उसके कारण काफी ज्यादा लंबा जाम लगता था, लोगों को काफी घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता था, लेकिन अब ये असुविधा जो है उन्हें अब सुविधा के रूप में मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन ही उन लोगों के परमिट चेक किए जाएंगे। और आपको इसमें और कुछ जानकारी देते हैं, बैरियर पर तैनात कर्मचारी वाहन चालक के पास आकर स्कैन करेगा परमिट है। तो ये आपको बता दें कि जो परमिट है वो वहां पर जाकर स्कैन ही किया जाएगा और ज्यादा जांच पड़ताल वहां पर नहीं होगी, ताकि लोगों को ज्यादा अपना समय वहां पर बर्बाद ना करना पड़े, इसलिए ऑनलाइन ही परमिट वहां पर चेक किए जाएंगे। तो इसी के साथ हिमाचल के आज की बात में इतना ही, और क्या क्या हिमाचल प्रदेश में होने वाला है, क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी दी। तो रोजाना आपको लाइफ टाइम्स टीवी पर हिमाचल प्रदेश के अहम खबरों के बारे में जानकारी देते हैं, हिमाचल प्रदेश के क्या घटित हुआ है, क्या कुछ होने वाला है, ये भी आपको बताते हैं। तो लाइफ टाइम्स टीवी के पेज को आप लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, जिन लोगों ने नहीं किया है वो जल्दी कर लें, ताकि हिमाचल प्रदेश का हर घटनाक्रम आप लोगों को पता चलता रहे। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम पसादिया, वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने, धन्यवाद।